हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ इंसेक्ट्स रेसिस्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग या ब्रीडिंग फॉर एबायोटिक रेसिस्टेंस इन फॉर द इंसेक्ट ब्रीडिंग फॉर बायोटिक रेसिस्टेंट एंड बायोटिक रेसिस्टेंट में किस पे हम डिस्कस करेंगे, इंसेक्ट रेसिस्टेंट में। और प्रीवियस क्लास में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ब्रीडिंग फॉर बायोटिक रेसिस्टेंट इन फॉर द डिजीज रेसिस्टेंस। तो हमारा डिजीज पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट रेसिस्टेंस, कि इंसेक्ट से जो भी डैमेजेज होते हैं प्लांट में और उनको कैसे मैनेज करें, और इंसेक्ट रेसिस्टेंट ब्रीडिंग कैसे करें, क्या क्या मेथड्स हैं और इसके क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं आज। तो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंस। तो इंसेक्ट और जो इंसेक्ट से हानियाँ क्या क्या होती हैं, वो कैसे होती हैं। तो इंसेक्ट क्या होता है कि इंसेक्ट के कारण ही जो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट का जो मैकेनिज्म होता है या उनका जो डैमेज करने की वो होती है, वो लाइक ए डिजीज़ होती है। जो डिजीजेज होते हैं उनकी तरह ही इंसेक्ट भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं प्लांट को, और इससे प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है और प्रोडक्शन रुक जाता है, जिससे कि लॉस होता है बहुत ज़्यादा। लाइक डिजीज इंसेक्ट आर इम्पॉर्टेंट कॉजल फैक्टर ऑफ बायोटिक। ये क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कॉजल मतलब कारण है किसके, बायोटिक फैक्टर्स के। तो इंसेक्ट है, डिजीज़ है, और हर भी मतलब जो बीड्स होते हैं खरपतवार, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा जो भी डैमेजेज होते हैं हमारी क्रॉप्स में, वो किस में आते हैं, बायोटिक में आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। स्ट्रेस इन क्रॉप प्लांट, बायोटिक स्ट्रेस इन क्रॉप प्लांट। तो स्ट्रेस और बायोटिक, एबायोटिक हम पहले ही आपको डिस्कस करा चुके हैं क्लास में। तो इंसेक्ट अटैक ऑल द क्रॉप प्लांट एंड लीड टू द कंसिडरेबल लॉसेस इन ईल्ड एज वेल एज क्वालिटी। तो इंसेक्ट जब अटैक करता है क्रॉप्स में, तो उसमें उसके क्या हो, ईल्ड और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण लॉस होता है हमारी क्रॉप्स में। जैसे इंसेक्ट कॉज ईल्ड लॉस इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस। इंसेक्ट कॉज है मतलब इंसेक्ट कारण है किसका, यील्ड के लॉसेस का, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। इंसेक्ट कॉज डायरेक्ट लॉसेस वाइज, जैसे इंसेक्ट कॉज है डायरेक्ट लॉसेस की, डायरेक्ट लॉस कैसे करते हैं इंसेक्ट, सकिंग सेल सेप, जो सेल्स होती हैं लीव्स में उनको सकिंग मतलब चूस लेते हैं उनका रस। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, चुबोने और चूसने वाले, जैसे मच्छर होता है वो उसके कहते हैं माउथ पार्ट होता है, वो पहले अपने जो मैक्सिला होता है उसको कुछ क्या करता है, चुभता है हमारी स्किन में, उसके बाद ब्लड को सक कर लेता है। ऐसी जो इंसेक्ट और भी होते हैं जो क्रॉप्स के लिए भी हानिकारक होते हैं, तो उनमें कुछ चबोने और चूसने वाले होते हैं, चबाने और काटने वाले होते हैं, कुछ काली चबाने वाले होते हैं। तो ऐसे तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या, सकिंग इंसेक्ट्स, जो सेल सैप को सक करते हैं। ईटिंग प्लांट पार्ट्स, वो क्या करते हैं, टिश्यूज फीडिंग, जैसे लीव्स है, ये लीव्स हो गया, ये लीव्स है, और इसमें क्या करा, यहाँ पे इंसेक्ट ने इतना पार्ट खा लिया, उसको ईटिंग कर लिया। तो इससे क्या होता है, जो पत्तियाँ हमारी डैमेज हो जाती हैं, इससे पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि भोजन बनाने में पत्तियाँ ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पत्तियों के द्वारा जो इंसेक्ट द्वारा जो पत्तियों में नुकसान होता है, जिससे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और इससे लॉस होता है ईल्ड और क्वालिटी में। ऐसे इंसेक्ट कॉज इनडायरेक्ट डैमेज, इनडायरेक्ट डैमेज कैसे करते हैं, जैसे एक्टिंग एज वेक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। कुछ इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो वेक्टर का काम करते हैं, वेक्टर मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाने का, जैसे कोई डिजीज है, कुछ इंसेक्ट द्वारा क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट कैसे करते हैं कि उनके द्वारा जो है डिजीज आ जाते हैं उनके साथ साथ। जैसे इंसेक्ट प्लांट्स पे, इंसेक्ट आया, ये हमारा प्लांट से इंसेक्ट आया और इस पर बैठ गया, तो यहाँ पे क्या करा, उसके साथ साथ डिजीज़ भी आ गया, तो वो किसका काम करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट में आता है, इंसेक्ट कॉज इनडायरेक्ट डैमेजेस।
ऐसे इंसेक्ट अटैक द प्लांट्स एंड लीड टू डैमेज लाइक रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड स्टोनिंग। तो रिप्रोडक्शन कम हो जाता है प्लांट्स का और डैमेज द वेजिटेटिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डैमेज कर देता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट्स जो वानस्पतिक पार्ट होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। प्री मैच्योर डिफोलिएशन, विल्टिंग ऑफ प्लांट्स, विल्टिंग हो जाती है प्लांट्स में। इसके बाद आता है वाई इंसेक्ट रेसिस्टेंस। तो इससे क्या है कि 14% एनुअल लॉसेस ऑफ पोटेंशियल क्रॉप यील्ड इज ड्यू टू इंसेक्ट पेस्ट। कम से कम हर साल हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, ऑल ओवर क्रॉप्स जो होती हैं, उनमें 14% तक लॉस हो जाता है ड्यू टू इंसेक्ट और जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट के कारण हमारा 14% लॉस हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हुआ जो हमारी ऑल ओवर क्रॉप्स होती हैं उनमें 14% लॉस होना किसके कारण, और इंसेक्ट और पेस्ट के कारण। इंक्रीजिंग द कॉस्ट, और जो इंसेक्ट होते हैं उनके कारण क्या होती है, हमारी कॉस्ट जो होती है इंक्रीज हो जाती है, मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है उनमें क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं जैसे रासायनिक द्वारा और बायोलॉजिकल है, और हमारा मान लो दवाइयाँ वगैरह हम यूज करते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, तो ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और अगर हमने रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया है तो रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन जो हमारा इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही रेसिस्टेंट वेराइटीज नॉन टॉक्सिंग टू मैन फॉर्म एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे एनिमल्स हैं और हमारा ह्यूमंस हो गए उनके लिए जो रेसिस्टेंट वेराइटी अगर डेवलप है तो उससे क्या होगी, वो बेनिफिशियल होती हैं, वो नॉन टॉक्सिक होती हैं, क्योंकि जो रेसिस्टेंट वेराइटीज़ जो होती हैं वो क्या होती है, उनमें हमें वो खुद रेसिस्टेंट होती हैं, तो उनमें हमें कोई भी रसायन की प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल। इम्पॉर्टेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण विधियाँ कौन कौन सी हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने की। पहला आता है बायोलॉजिकल मेथड, फिर यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड आ गया, यूज ऑफ बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स जैसे नीम का है, कई बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड आ रहे हैं। यूज ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटी, तो रेसिस्टेंट वैरायटी जब हम यूज कर लेंगे, और केमिकल मेथड्स आते हैं जैसे अब जो भी हमारी पेस्टिसाइड्स हैं केमिकल्स चल रहे हैं, यूज ऑफ प्रीडिएटर्स एंड पैरासाइट इन इंसेक्ट पेस्ट। तो पहला हमारा मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंस, और जो मैकेनिज्म है इंसेक्ट रेसिस्टेंट की वो कौन कौन से हो, तो उनमें आता है देयर आर 4 मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंट। पहला आता है नॉन प्रेफरेंस। नॉन प्रेफरेंस में क्या होता है, जैसे हम लोग भी भोजन करते हैं, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, जैसे अच्छी कोई चीज़ है, कोई भी डिश अच्छी बनी तो उसको हम बहुत ईजिली तरीके से खाएंगे, हम मन से खाते हैं। ऐसी इंसेक्ट जो होते हैं उनके लिए भी जो अच्छी लगती है खाने में, कोई जैसे प्लांट्स हुआ उसके कोई कई पार्ट ऐसे होते हैं, हर इंसेक्ट के जो होते हैं पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स पे वो डैमेज करता है, उसके अलग अलग पार्ट पसंद करते हैं उनको खाना, ऐसे ही तो इसमें नॉन प्रेफरेंस हो जाता है। जैसे कुछ पौधे होते हैं वो नॉन प्रेफरेंसिबली होते हैं, जो उनको डैमेज नहीं कर पाते हैं। फिर एंटीबायोसिस हो गया, टॉलरेंस हो गया, अवॉइडेंस एंड एस्केप। द फर्स्ट थ्री मैकेनिज्म, जो पहले वाले थ्री मैकेनिज्म हैं वो किसके द्वारा दिए, गिविन बाय पेंटर इन 1951, एंड द फोर्थ वन वाज एडेड सब्सिक्वेंटली, ये बाद में ऐड किया गया चौथा, और ये पेंटर ने 1951 में दिए थे तीनों मैकेनिज्म। तो हमारा जो नॉन प्रेफरेंस है, पहला नॉन प्रेफरेंस, नॉन एक्सेप्टेंस या एंटीजेनोसिस, तो आप इसको समझिए नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब जो नॉन एक्सेप्टेंस होता है, जैसे हमने कहा कि कोई चीज़ हमने एक्सेप्ट कर ली, और ये क्या है नॉन एक्सेप्टेंस, कि जो इंसेक्ट होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उसको। जैसे द होस्ट वेराइटीज, होस्ट हमने आपको पहले ही बता दिया था, जिस पे कोई डिजीज या इंसेक्ट कॉज करे या उसको डैमेज करे वो क्या होता है, होस्ट होता है। तो दैट आर अनअट्रैक्टिव और अनसुटेबल फॉर कोलोनाइजेशन, ओवोपोजिशन आर वोथ बाई द इंसेक्ट्स।
तो जो भी होस्ट वैरायटी होती हैं वो कैसी होती हैं, अनअट्रैक्टिव हो जाती हैं या अनएक्सेप्टेबल हो जाती हैं इंसेक्ट के लिए, और वो उनको नहीं डैमेज कर पाते, तो वो किस में आते हैं, नॉन प्रेफरेंस में आते हैं। तो वो नॉन प्रेफरेंस में आते हैं। द कैरेक्टर्स अडॉप्टेड बाय द प्लांट्स इंक्लूड हेयर, हेयरीनेस, डिफरेंट कलर्स, लीफ एंगल एक्सेट्रा। जैसे लीव्स होती हैं उन पर हेयर्स आ जाती हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे दिखाए गए ये हेयर्स हैं ऐसे लीव्स पे, तो इन पे क्या है, हेयर्स के कारण जो है इंसेक्ट वो उनको खा नहीं पाते हैं, जिससे ये नॉन प्रेफरेंस कहलाता है। ऐसे ही कुछ डिफरेंट कलर्स होते हैं, कुछ जैसे पत्ता गोभी होती है उसमें रेड कलर होता है, तो वो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनको नहीं खा पाते हैं रेड कलर के कारण। तो नॉन प्रेफरेंस मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंट इन सब क्रॉप प्लांट्स, जैसे वीट में स्टेम्स ऑफ फ्लाई की जो इंसेक्ट पेस्ट है उसे जो सॉलिड स्टेम होता है वो क्या होता है, नॉन प्रेफरेंस होता है, और प्रेफरेंस होता है होलो स्टेम। और ऐसे ही राइस में, राइस स्टेम बोरर के लिए लॉन्गनीफाइड स्टेम और नॉन लॉन्गनीफाइड स्टेम वो खा सकता है उसको। ऐसे ब्राउन प्लांट हॉपर हो गया, उसको लो एस्परजिनेंस, हाई एस्परजिनेंस जो है उसके लिए प्रेफरेंसिबल होता है। ऐसे ही मेज में आ जाओ, कॉर्न ईयर वॉर्म हो गया, उसके लिए टॉन्गनेस ऑफ हस्क, जो टॉन्गनेस ऑफ हस्क होता है वो नॉन प्रेफरेंस होता है। सॉफ्ट हस्क होता है, जो उसके हस्क होते हैं मेज के वो सॉफ्ट जो होता है वो उसके लिए प्रेफरेंसिबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस क्या होता है, एंटीबायोसिस रिफर्स टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट विच फीड ऑन रेसिस्टेंट प्लांट। एंटीबायोसिस वो क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट करते हैं किस पे, मतलब प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं किस पे, होस्ट जो होस्ट प्लांट होता है, ऑन द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट। जो भी इंसेक्ट मान लो किसी होस्ट प्लांट पर आए और उसमें एंटीबायोसिस है उसमें, वो क्या करेगा, प्रतिकूल प्रभाव डालेगा उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पर, जिससे क्या है, जो इंसेक्ट्स और पेस्ट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं किस पे, जो रेसिस्टेंट प्लांट होता है जिसमें एंटीबायोसिस होता है। इन सम केसेस एंटीबायोसिस में लीड इवन टू दैट ऑफ इंसेक्ट। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या है, जो एंटीबायोसिस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है या लीड करता है इवन यहाँ तक कि टू डेथ ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की क्या होता है, मौत भी हो जाती है, यहाँ तक वो लीड कर देते हैं कुछ एंटीबायोसिस। एंड एंटीबायोसिस इज कंसिडर्ड एज द ट्रू फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। और जो एंटीबायोसिस है वो एक क्या है, ट्रू फॉर्म कंसिडर्ड की जाती है एज ए ट्रू फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। एंटीबायोसिस मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंट इन सम क्रॉप प्लांट्स, जैसे वीट में एशियन फ्लाई के लिए क्या है, H1 एंड H3 जीन्स। H1 और H3 जीन्स जो है वो क्या है, किसके कॉज है, मतलब कारण किसका है, एंटीबायोटिक्स वो डेवलप करता है किसमें, वीट में, और किसके अगेंस्ट, एशियन फ्लाई के, किसमें, वीट में। और स्टेम्स ऑफ फ्लाई के लिए सॉलिड स्टेम है, ऐसे ग्रीन वक्स के लिए हाई वेंजाइल एल्कोहल। हाई वेंजाइल एल्कोहल जो पाया जाता है इंसेक्ट वीट में, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, द हाई वेंजाइल एल्कोहल इज फाउंड इन वीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन वक्स। एंड देन अगेन इन वारले सीरियल लीफ विटिल एंड कॉज ऑफ एंटीबायोसिस इज वैक्सीनेस ऑफ लीव्स। जो वैक्सीनेस ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स में जो मोम पाया जाता है, वैक्सीन्स पाया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सीरियल लीफ विटिल के अगेंस्ट इन वारले। नेक्स्ट ग्रीन वक्स है हाई वेंजाइल एल्कोहल। ऐसी राइस में होता है, राइस स्टेम बोरर के लिए हाई सिल्का कंटेंट। जो हाई सिल्का कंटेंट पाया जाता है राइस में, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंसेक्ट पेस्ट में, राइस स्टेम बोरर के अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप करता है इन राइस में। ऐसे ही कॉटन में जैसे वॉल वॉर्म्स के अगेंस्ट हाई गॉसीपॉल कंटेंट, द हाई गॉसीपॉल कंटेंट फाउंड इन कॉटन एंड और वो क्या करता है, वॉल वॉर्म्स के अगेन रेसिस्टेंट डेवलप करता है किसमें, कॉटन में। नेक्स्ट आता है हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या हो रहा है, टॉलरेंस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए वैरायटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर यील्ड देन ससेप्टिबल वैरायटी। जो टॉलरेंस होता है वो रिफर्स करता है, जैसे उसकी एबिलिटी होती है, जो टॉलरेंस वैरायटी होती है वो देती है ग्रेटर यील्ड देन द ससेप्टिबल,
जो अप्रभावी वैरायटी होती है उनसे अधिक यील्ड देती है एट द सेम लेवल ऑफ इंसेक्ट अटैक, एट द सेम लेवल ऑफ इंसेक्ट अटैक। जैसे इंसेक्ट अटैक कर रहा है एक सेम लेवल पे, वहीं पे ससेप्टिबल वैरायटी है, वहीं पे जो है टॉलरेंस वैरायटी है या रेसिस्टेंट वैरायटी, वो सेम यील्ड देगी, लेकिन इंसेक्ट अटैक लेवल क्या होगा, सेम होगा। और जो ससेप्टिबल वैरायटी है जो, वो क्या करेगी, उसकी यील्ड लो हो जाएगी ड्यू टू द इंसेक्ट अटैक। एंड द टॉलरेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिज्यूविनेशन पोटेंशियल, हेल्दी लीव्स ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड सुपीरियर प्लांट विगर्स। और ये मेजर्ड इन टर्म्स, इसको हम किस टर्म में मेजर कर सकते हैं, जैसे रिज्यूविनेशन पोटेंशियल हो गया, हेल्दी लीव्स हो गई, उसकी अच्छी लीव्स हो गई और ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावरिंग है सुपीरियर प्लांट, और वो फ्लावरिंग अच्छी होगी और वो क्या होंगे, सुपीरियर प्लांट्स होंगे। एंड हाइब्रिड कॉटन्स वाई वर्च्यू ऑफ देयर वेरी हाई पोटेंशियल सो टॉलरेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट। हाइब्रिड कॉटन्स जो हैं उनमें क्या होता है, हाई टॉलरेंस एबिलिटी होती है अगेंस्ट द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारा अवॉइडेंस, मतलब किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, हाउ टू अवॉइड द इंसेक्ट, कैसे हम अवॉइड करेंगे। देखो, इट रिफर्स द स्केप ऑफ वैरायटी फ्रॉम इंसेक्ट अटैक आइदर ड्यू टू अर्लीनेस, मतलब जब भी मान लो कोई सीजन है उसमें इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, किसी भी मंथ में हम देखते हैं कि कुछ इंसेक्ट होते हैं या जो भी इंसेक्ट होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, वो उस समय उनकी ग्रोथ या उनका रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। वो कैसे, कि हम अपनी सीजन चेंज कर सकते हैं या अपनी जो बुवाई का समय है उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको जैसे आर ड्यू टू द इट्स कल्टिवेशन इन सीजन वेयर इंसेक्ट पॉपुलेशन इज लो, या हम उसको इस सीजन में ग्रो करें कि जब उसकी पॉपुलेशन लो हो। एग्जाम्पल अर्ली मैच्योरिंग कॉटन वैराइटीज फॉर पिंक बॉलवर्म, जैसे अर्ली मैच्योरिंग वैराइटी है जो कॉटन की, वो किसके किसको अवॉइड करती है, पिंक बॉलवर्म जो होता है इंसेक्ट जो कॉटन में लगता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जो अर्ली मैच्योरिंग वैराइटी होगी कॉटन की। इसके बाद आता है बेसिस ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंस इन प्लांट ब्रीडिंग, तो बेसिस कौन कौन से हैं जो इंसेक्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होंगे। देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंट, पहला मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ होस्ट प्लांट। तो मॉर्फोलॉजिकल में क्या आता है, हम पीछे भी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो नॉन प्रेफरेंस में आता है, जैसे हेयरिनेस, एग्जाम्पल जैसेडेड कॉटन, अगर हेयरिनेस लीव्स होंगी कॉटन में तो वो किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट होगा, रेसिस्टेंस अगेंस्ट जैसिड, जो जैसिड इंसेक्ट है जो कॉटन में नुकसान पहुंचाता है, डैमेज करता है, उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाएगी जब हेयरिनेस होगा, हेयर्स होंगे इनकी लीव्स और स्टेम पर, तब वो जैसिड जो है जैसिड के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होगी। ऐसे ही आता है कलर ऑफ प्लांट, ये भी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है नॉन प्रेफरेंसिबल में, वो रेड कैबेज की जो कैबेज होती है वो रेड कलर की जब होती है तो नॉट फेवर्ड बाई बटरफ्लाइज, जो हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं कैबेज में वो प्रेफरेंसिबल होता है किसके लिए, बटरफ्लाई जो होती है उसके लिए प्रेफरेंसिबल होता है। बट द रेड कैबेज इज नॉट फॉर द प्रेफरेंसिबल फॉर बटरफ्लाई, जो रेड कैबेज होती है वो क्या होती है, प्रेफरेंसिबल नहीं होती है किसके लिए, बटरफ्लाई के लिए। तो ये कलर हो गया, फिर कलर भी रिस्पॉन्सिबल है, हेयरनेस भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेसिस्टेंट डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेम टोंगनेस ऑफ द टिश्यूज, यदि सॉलिड स्टेम टोंगनेस ऑफ द लिड्यूज, सॉलिड स्टेम्स होते हैं वो किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट टू सॉफ्ट लाई इन वीट, जो सॉफ्ट लाई होती है वीट में, वो जो वीट में सॉफ्ट लाई लगती है अगर सॉलिड स्टेम है तो वो क्या करेगी, कॉज नहीं करेगी या उस पर इंसेक्ट जो है, जो सॉफ्ट लाई इंसेक्ट है वो डैमेज नहीं कर पाएगा वीट को। ऐसे ही आता हाई टिलर्स, हाई टिलर्स अगर नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा हैं किसी भी क्रॉप्स में तो वो किस में, राइस में, जैसे राइस में अगर नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा हैं तो वो अगेंस्ट रेसिस्टेंट होगा किसके, स्टेम बोरर के, जो स्टेम बोरर होता है उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट होगा। ऐसे ही आता है लॉन्ग पेडिकल्स, लॉन्ग पेडिकल्स होगा तो वो कॉटन में होगा अगेंस्ट वॉलवर्म्स के।
जो कॉटन में अगर लॉन्ग पेडिकल्स होगा तो वो कॉटन में अगेंस्ट हो जाएगा, किसके? वॉल वॉर्म्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा लॉन्ग पेडिकल्स। नेक्स्ट हमारा आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल। जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है वो जो सेल में पाया जाता है, सेल सेफ एंड लीफ एग्जुडेट्स आर एसोसिएटेड विथ इंसेक्ट असिस्टेंट। जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है सेल में और लीव्स में कुछ मटेरियल्स पदार्थ निकलता है, जैसे सम स्पेसीज ऑफ सोलेनम, सोलेनम की कुछ स्पेसीज हैं उसमें गमी एक्सिड्यूट्स निकलता है। जो गमी मतलब गोन लाइक एक पदार्थ निकलता है, जिससे क्या होता है, फ्रॉम हेयर्स ऑन द लीव्स, जो हेयर्स होते हैं उनमें हेयर्स से लीव्स पर निकलता है। और उसके बाद जो क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब हम ट्रैप उसके द्वारा ट्रैप हो जाता है। क्या? एफिड। एफिड जो है जब उस पर बैठता है और जो गमी एक्जिडेट्स होता है उसके कारण क्या हो जाता है, ट्रैप्स हो जाता है जब वो जाता है फीडिंग करने के लिए। एंड एफिड एंड क्लैरिडो वीटिल्स, जो एफिड और क्लैरिडो वीटिल्स होते हैं, गेट ट्रैप्ड इन सच एक्जिडेट्स एंड आर अनेबल टू फीड रिप्रोड्यूस। और वो क्या हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं, वो खा नहीं पाते और वो पकड़ जाते हैं, मतलब ट्रैप माने पकड़ना। और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेफ एक्जुडेट्स वो कॉटन में, और ये जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेफ एंड एक्जुडेट्स होता है वो किस में पाया जाता है, कॉटन में, रेसिस्टेंट टू जैसिड के, और वो रेसिस्टेंट हो जाती है अगेंस्ट जैसिड के। जो जैसिड इंसेक्ट्स होता है वो खा नहीं पाते हैं या फीडिंग नहीं कर पाता है। इसके बाद आता है बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल फैक्टर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द बायोकेमिकल फैक्टर इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी इन एनी क्रॉप्स, लाइक एज इन इंसेक्ट इन राइस द हाई सिल्का कंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसेक्ट रेसिस्टेंट अगेंस्ट द स्टेम बोरर्स। और जो राइस जो होता है उसमें जो हाई सिल्का कंटेंट होता है वो रेसिस्टेंट होता है अगेंस्ट द स्टेम बोरर्स के। जो सूट सूट बोरर होता है या स्टेम बोरर होता है उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। इन वीट, अगर हम वीट और बार्ले की बात करें तो उसमें वेंजाइल एल्कोहल होता है। वेंजाइल एल्कोहल जो होता है वो क्या, एक बायोकेमिकल फैक्टर है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट टू अगेन ग्रीन बग्स। जो ग्रीन बग्स होते हैं उनके अगेन रेसिस्टेंट कर देता है। एंड इन कॉटन रेसिस्टेंस, अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन में गॉसीपोल पाया जाता है। गॉसीपोल नाम है कि बायोकेमिकल फैक्टर होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है अगेंस्ट इंसेक्ट, इज वाई गॉसीपोल ए लिनोलिक कंपाउंड्स। और जो कॉटन में गॉसीपोल होता है वो लिनोलिक कंपाउंड होता है, जो इसमें लिनोलिक कंपाउंड होता है वो भी इंसेक्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंस। तो जेनेटिक्स क्या है इंसेक्ट रेसिस्टेंस की, तो उसमें जो भी जीन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इंसेक्ट रेसिस्टेंस, लाइक एज मोनोजेनिक हो गया, ऑलिगोजेनिक हो गया, पॉलीजेनिक हो गया, ये क्या है, जेनेटिक्स ऑफ है इंसेक्ट रेसिस्टेंस। जैसे रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट इज गवर्न बाई इन थ्री वेज। नंबर वन इज ऑलिगोजेनिक इन वीट टू एजिन फ्लाई। तो ऑलिगोजेनिक और पॉलीजेनिक और साइटोप्लाज्मिक जीन्स ये हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। पहली ही क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अलीगोजेनिक क्या होता है, पॉलीजेनिक क्या होता है या साइटोप्लाज्मिक क्या होता है। तो अलीगोजेनिक भी हम चलो बता दे रहे हैं, अलीगोजेनिक द रेसिस्टेंस इज गवर्न बाय मेजर जीन्स या फ्यू जीन्स, मतलब एक किसी एक जीन से गवर्न होते हैं वो अलीगोजेनिक कहलाते हैं। और पॉलीजेनिक में पॉली मीन्स अधिक, एक से अधिक, द रेसिस्टेंस इज गवर्न बाई मोर देन वन जीन इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक। और जो साइटोप्लाज्म द्वारा गवर्न होती हैं वो साइटोप्लाज्मिक जीन्स द्वारा जो गवर्न होती हैं रेसिस्टेंट, उसे हम साइटोप्लाज्म जीन कहते हैं। तो इन वीट हेजियन फ्लाई एंड सॉ फ्लाई, इन वार्ले टू ग्रीन बग्स, जो अलीगोजेनिक रेसिस्टेंट होती है वो वीट में पाई जाती है अगेंस्ट हेजियन फ्लाई के और सॉ फ्लाई के, और जो वार्ले में होती है वो ग्रीन बग्स होते हैं। और इन अल्फा 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 में किसके अगेंस्ट, पी एफिड के, और इन कॉटन में जैसिड के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होते हैं। ऐसी पॉलीजीन्स
पॉलीजीन्स में जो सीरियल्स टू लीफ बिटिल, जो सीरियल्स होते हैं हमारी अनाज वाली फसलें हैं उनमें लीफ बिटिल के अगेंस्ट, इन राइस टू स्टेम बोरर, और राइस में वो स्टेम बोरर के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होते हैं। ऐसे साइटोप्लाज्म में मेज टू यूरोपियन कॉर्न, जो यूरोपियन कॉर्न है उनमें जो यूरोपियन कॉर्न बोरर है जो हमारी मेज हो गई तो वो रेसिस्टेंट होती है अगेंस्ट द यूरोपियन कॉर्न बोरर एंड रूट एफिड इन लेट्यूस। लेट्यूस एक क्रॉप्स है उसमें रूट एफिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा साइटोप्लाज्मिक जीन। पॉलीजेनिक मतलब सेवरल जीन्स, मतलब एक से अधिक, जैसे वीट में हो गया सीरियल लीफ बिटिल, जो सीरियल लीफ बिटिल ये है वो किसके द्वारा गवर्न हो रहा है, पॉलीजेनिक रेसिस्टेंट द्वारा। ऐसे ही अल्फा अल्फा में स्पॉटेड एफिड है, ये जो स्पॉटेड एफिड्स है वो किसके द्वारा गवर्न हो रहा है, पॉलीजेनिक रेसिस्टेंट द्वारा। साइटोप्लाज्मिक रेसिस्टेंट अभी बताया था यूरोपियन कॉर्न बोरर है, ये जो यूरोपियन कॉर्न बोरर है ये जो मेज में लग रहा है वो किसके द्वारा गवर्न हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक रेसिस्टेंट या साइटोप्लाज्मिक जीन द्वारा गवर्न हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सोर्स ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंस इन प्लांट ब्रीडिंग, सोर्स क्या क्या है इंसेक्ट रेसिस्टेंट के इन प्लांट ब्रीडिंग में, तो देयर आर 5 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंसेक्ट रेसिस्टेंट इन क्रॉप प्लांट, कल्टीवेटेड वैरायटी, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, और हमारा वाइल्ड रिलेटिव्स है, म्यूटेशंस हैं, हाइब्रिडाइजेशंस हम कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल जो बायोटेक हमारी है एग्रीकल्चर बायोटेक, उसके जो उसके मैकेनिज्म आते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो जो बायोटेक द्वारा हम डेवलप करते हैं वैरायटी, और जो बायोटेक द्वारा हम रेसिस्टेंट डेवलपमेंट करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से हैं, जैसे वीटी जीन्स है वो क्या है, बैक्टीरिया से आइडेंटिफाई किया गया है, वो किस में यूज़ किया गया है, कॉटन में और वीटी ब्रिंजल में। फिर आता है जैसे कल्टीवेटेड वैरायटी, जैसे खंडवाज V1007 ऑफ गॉसिपियम हिर्सुटम, जो गॉसिपियम हिर्सुटम मतलब कॉटन में कपास की वैरायटी है जैसे खंडवाज और V1007, और वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रेसिस्टेंट है किसके अगेंस्ट, जेसिड के अगेंस्ट रेसिस्टेंस हैं, तो वो जेसिड के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो गई। और उसके बाद आता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, तो जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करते हैं, तो कुछ जर्म प्लाज्म जब हम कलेक्शन करते हैं उसमें इन कॉटन में पाई गई हैं सेवरल स्ट्रेंस, मतलब लाइंस पाई गई हैं किसके अगेंस्ट, रेसिस्टेंट टू जेसिड। तो वो कुछ जर्म प्लाज्म कलेक्शन में सेवरल लाइंस पाई गई हैं जो रेसिस्टेंट अगेंस्ट द जेसिड। रिलेटेड वाइल्ड स्पेसीज मतलब जंगली प्रजातियाँ संबंधी हैं कुछ, जैसे रेसिस्टेंट फॉर रब्स एफिड इन इट्स वाइल्ड स्पेसीज टू रेस्पबेरीज, तो रब्स एफिड के अगेंस्ट कुछ वाइल्ड स्पेसीज हैं जो रेस्पबेरीज की हैं वो अगेंस्ट रेसिस्टेंस हैं। ऐसे ही गॉसिपियम टोमेंटोसम, गॉसिपियम एनोमेलम एंड गॉसिपियम आर्मोरियम आर गुड सोर्स ऑफ जेसिड रेसिस्टेंस। ये क्या है, ये जो टोमेंटोसम हो गया, एनोमेलम हो गया और आर्मोरियम हो गया, तो ये क्या है, वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, जंगली प्रजातियां हैं किसकी, कॉटन की, ये इनके क्या है, एंसेस्टर्स हैं, और इनकी ये या वाइल्ड स्पेसीज रेसिस्टेंस वैरायटी मतलब रेसिस्टेंट हैं किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट के रेसिस्टेंस हैं, ये इंसेक्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट है गॉसिपियम टोमेंटोसम, और ये वाइल्ड रिलेटिव्स हैं और किसकी हैं, कॉटन की, और रेसिस्टेंट किसके अगेंस्ट है, जेसिड के अगेंस्ट रेसिस्टेंस हैं। इन टोबैको रेसिस्टेंट टू रूट नॉट फ्रॉम द वाइल्ड स्पेसीज, टोमेटो में भी वो जो टोबैको है तंबाकू, उसमें भी जो वाइल्ड स्पेसीज हैं कुछ उसकी रिलेटिव्स हैं वो किसके अगेंस्ट है, रूट नॉट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस हैं। इंड्यूस म्यूटेशन का हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर, तो इंड्यूस मतलब किसी चीज़ को खुद से इंड्यूस कराना। इंड्यूस म्यूटेशन में समटाइम इंसेक्ट रेसिस्टेंस, कभी कभी हम क्या करते हैं, समटाइम इंसेक्ट रेसिस्टेंस इज ऑब्टेंड थ्रू इंड्यूस म्यूटेशंस,
कभी कभी हम इंड्यूस करा के भी किसी भी वैरायटी में म्यूटेशन इंड्यूस करा के या किसी लाइंस में म्यूटेशन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। जैसे इंसेक्ट रेसिस्टेंस हैज़ बीन ऑब्टेंड इन मैनी क्रॉप्स वाई दिस मेथड, और बहुत सी क्रॉप्स में इंड्यूस म्यूटेशन द्वारा इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई है। फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कौन कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कैसे कराई गई हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बैसिलस थुरिंजेंसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं VT जीन, इन टू द सिस्टम ऑफ कॉटन, वो क्या किया गया बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स द्वारा उसको हमने VT जीन्स को इनाकुलेट करा दिया है, मतलब कॉटन में, और वो रेसिस्टेंस हो गई किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो गई थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन USA। मॉन्सेंटो कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो जिसने सबसे फर्स्ट टाइम में बैसिलस बीटी जीन्स को आइडेंटिफाई किया था, और इसकी जो क्राई प्रोटीन्स थी वो टॉक्सिक थी किसके लिए, कॉटन में जो इंसेक्ट लगते हैं उनके अगेंस्ट डेवलप कराया था VT जीन्स द्वारा कॉटन में, और किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। फिर आता है ड्यूरेबल रेसिस्टेंस इन प्लांट ब्रीडिंग। ड्यूरेबल मतलब ड्यूरेशन, मतलब समय, लॉन्ग लास्टिंग रेसिस्टेंस मतलब लंबे समय के लिए, अब अगर हमें वैरायटी डेवलप करनी है तो वो क्या है कि ड्यूरेबल रेसिस्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग। ड्यूरेबल रेसिस्टेंट कैसे, जैसे इट रिफर्स टू लॉन्ग लास्टिंग रेसिस्टेंट, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग मतलब लंबे समय के लिए रेसिस्टेंट डेवलप करना है। जैसे द ड्यूरेबिलिटी ऑफ रेसिस्टेंट डिपेंड्स मेनली ऑन 4 फैक्टर्स, जो ड्यूरेबिलिटी मतलब इनका जो ड्यूरेशन, इनका समय जो होता है वो डिपेंड्स है 4 फैक्टर्स पे, 4 फैक्टर्स पे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यूरेसिस, फॉर्मेशन मतलब बनाना न्यूरेसिस, या बायोटाइप्स, ऐसी जेनेटिक बेसिस ऑफ रेसिस्टेंस, जो जेनेटिक बेसिस है पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पॉलीजेनिक, अलिगोजेनिक और साइटोप्लाज्मिक, और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ होस्ट प्लांट एंड बायोकेमिकल सबस्टेंस एसोसिएटेड विद रेसिस्टेंस। तो न्यू बायोटाइप्स क्या हैं, व्हाट इज न्यू बायोटाइप्स, न्यू फिजियोलॉजिकल रेसिस आर फॉर्म्ड थ्रू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। हमने कोई भी न्यू रेसिस डेवलप कर ली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस द्वारा, और वो एंड हाइब्रिडाइजेशन द्वारा, तो वो डेवलप कर सकते हैं हम, ड्यूरेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आता है जेनेटिक्स ऑफ रेसिस्टेंस, इन जनरल मोनोजेनिक रेसिस्टेंस इज लेजर ड्यूरेबल, मतलब जो मोनोजेनिक जीन, जो मोनोजेनिक रेसिस्टेंस होता है वो कम समय तक होता है किसके अगेंस्ट, अलिगोजेनिक, और जो अलिगोजेनिक और पॉलीजेनिक जीन्स द्वारा जो गवर्न होती है रेसिस्टेंट पावर, मतलब जो उस वो रेसिस्टेंट कम होती है किसके अगेंस्ट, मोनोजेनिक मतलब मोनोजेनिक कम होता है किसके, अलिगोजेनिक और पॉलीजेनिक के। ऐसी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आते हैं फिर, इंसेक्ट रेसिस्टेंट एसोसिएटेड विद मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ होस्ट प्लांट इज मोर ड्यूरेबल। ये जो मोर ड्यूरेबल होते हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फैक्टर्स, जो हमने पीछे पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, अभी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स बताए थे। देयर अदर काइंड्स ऑफ रेसिस्टेंट, जो भी अदर काइंड्स ऑफ रेसिस्टेंट हैं उनके अगेंस्ट ये अधिक समय तक टिकते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ प्लांट। बायोकेमिकल फैक्टर्स, तो बायोकेमिकल फैक्टर्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेबल रेसिस्टेंट टू यूरोपियन कॉर्न बोरर इन मेज इज एसोसिएटेड विद हाई डिम्बोआ कंटेंट टू स्टेम बोरर इन, और इन राइस विद हाई सिल्का कंटेंट, जैसे राइस में पाया जाता हाई सिल्का कंटेंट, वो मोर रेसिस्टेंट होता है या लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब लंबे समय के लिए रेसिस्टेंट होता है। ऐसे ही अल्फा अल्फा विद हाई सेपोनिन कंटेंट, अल्फा अल्फा में सेपोनिन कंटेंट पाया जाता है, वो जो क्या है लंबे समय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेसिस्टेंट अगेंस्ट इंसेक्ट। ब्रीडिंग मेथड्स फॉर इंसेक्ट रेसिस्टेंस, तो ब्रीडिंग मेथड्स हैं वो क्या है, सब सेम ही है किसी भी ब्रीडिंग करने के लिए, जैसे डिजीज हो गया या इंसेक्ट हो गया, जैसे इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग,
तो जब ब्रीडिंग मेथड्स में आता है पहला इंट्रोडक्शन, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फाइलोक्सेरा रेसिस्टेंट ग्रेप रूट स्टॉक। रूट स्टॉक जैसे ये पूरा प्लांट्स है ये, तो इसका कितना जो रूट स्टॉक, इतना यहाँ तक का ये रूट स्टॉक इसका हो गया। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ से, यूएसए से इनटू फ्रांस में, मतलब यूएसए से कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, फ्रांस में, और किसके अगेंस्ट, फाइलोक्सेरा के अगेंस्ट। और जो क्या था, अंगूर का रूट स्टॉक इंट्रोड्यूस किया गया और वो रेसिस्टेंट था किसके अगेंस्ट, फाइलोक्सेरा के अगेंस्ट। सिलेक्शन, तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं ब्रीडिंग द्वारा, कोई भी इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है कहीं पे भी, और उसको हमने इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद सिलेक्शन कर लिया है, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो रेसिस्टेंट टू अल्फा अल्फा स्पॉटेड एफिड, जो अल्फा अल्फा में स्पॉटेड एफिड था उसके अगेंस्ट सिलेक्शन किया गया। और हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम जैसे हाइब्रिड डेवलप किए उसके बाद हमने सिलेक्शन कर लिया, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पीडिग्री मेथड यूज़ करते हैं ऑलिगोजेनिक कैरेक्टर्स के लिए, और बैकक्रॉस मेथड यूज़ करते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स के लिए। इसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे हाईली सक्सेसफुल, द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज फाउंड इन कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल एंड बीटी कॉटन एंड बीटी ब्रिंजल। सबसे ज़्यादा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग सक्सेसफुल हुआ है वो किसमें, बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल में। और स्क्रीनिंग टेक्निक्स हैं बहुत सारी, जैसे हमने वैरायटी डेवलप की और उसमें स्क्रीनिंग करनी होती है, तो इंटरप्लांटिंग है, हाई प्रोन एरिया है। प्रॉब्लम्स, तो जब हम ब्रीडिंग करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं रेसिस्टेंट डेवलप करने के लिए, जैसे इट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये क्या है, एक लंबी प्रोसेस होती है, इसमें समय बहुत अधिक लगता है। समटाइम ब्रीडिंग फॉर रेसिस्टेंट टू वन पेस्ट लीड टू द ससेप्टिबिलिटी टू अनदर पेस्ट। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने वैरायटी कोई भी इंसेक्ट के लिए, किसी एक इंसेक्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप करने के लिए हमने ब्रीडिंग की, उसमें क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि वो ससेप्टिबल हो जाती है, फिर एक इंसेक्ट के अगेंस्ट तो रेसिस्टेंट हो गई और फिर किसी अनदर इंसेक्ट के लिए वो क्या होगी, ससेप्टिबल हो जाती है। तो ये भी एक इसका प्रॉब्लम्स है। एग्जाम्पल ग्लैबरस स्ट्रेन ऑफ कॉटन, ग्लैबरस स्ट्रेन ऑफ कॉटन रेसिस्टेंट टू वॉलवॉर्म बट ससेप्टिबल टू जैसे ग्लैबरस जो स्ट्रेंथ थी कॉटन की वो हमने डेवलप की किसके अगेंस्ट, वॉलवॉर्म्स के, लेकिन वो ससेप्टिबल हो गई किसके, जैसेट जो इंसेक्ट है उसके अगेंस्ट वो क्या हो गई, ससेप्टिबल हो गई। उसके बाद हेरीनेस इन कॉटन रेसिस्टेंट टू जैसेट, जो हेरीनेस होती है कॉटन में वो रेसिस्टेंट होती है अगेंस्ट टू जैसेट, बट ससेप्टिबल टू वाइट फ्लाई एंड वॉलफॉर्म वॉलवॉर्म्स, और वो लेकिन वो ससेप्टिबल होती है वॉलवॉर्म्स के और वाइट फ्लाइज के। लिंकेज बिटवीन डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन्स, कभी कभी क्या होता है कि हम करना चाह रहे हैं डिजायरेबल कैरेक्टर्स, वह कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम ब्रीडिंग जब करते हैं तो डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, वो किससे, लिंकेज बिटवीन डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन्स। लिंकेज अगर होगी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल के बीच तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं वैरायटी में, और वो उसमें अनडिजायरेबल जीन्स भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इट इज़ द एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट मेथड, और ये एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट है, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड्स है, और इन सम केसेस रेसिस्टेंट वैरायटी हैज़ लोअर यील्ड एंड पुअर क्वालिटी, और हम डेवलप करते हैं उसके बाद बावजूद भी हमें क्या, वैरायटी लोअर यील्डर होती हैं और पुअर क्वालिटी की होती हैं, ये भी मेन प्रॉब्लम है किसकी, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेसिस्टेंस। इसके बाद आता है अचीवमेंट्स इन क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स अचीवमेंट, मतलब कौन कौन सी वैरायटी किस क्रॉप में डेवलप की गई, जो अचीवमेंट्स की हैं, जैसे राइस में जैसे विजया वैरायटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिस्टेंट अगेंस्ट लीफ हॉपर, रत्ना कावेरी फॉर स्टेम बोरर हो गया, फिर वाजरम एंड
चैतन्य एंड प्रतिभा इज रेसिस्टेंट अगेन द ब्राउन प्लांट हॉपर, ऐसी सुरेखा एंड काकतीय इज रेसिस्टेंट अगेन द गालमिस इंसेक्ट। एंड नेक्स्ट आता है सोरगम एच वी पी 86 इज एंड आई एस 1054 इज अगेन रेसिस्टेंट अगेंस्ट, मतलब ये रेसिस्टेंट है किसके अगेंस्ट, सूट फ्लाई के। और ये वैरायटी जैसे एस पी वी 17 19 20 इज रेसिस्टेंट अगेन द स्टेम बोरर। एंड द आई सी एस बी 197 एंड 745 इज रेसिस्टेंट अगेन मिज। कॉटन में वैरायटी डेवलप की गई जैसे V107 एंड कनांद्र 2 इज अगेंस्ट रेसिस्टेंट जैसेड। और वॉल वॉर्म्स के लिए रेसिस्टेंट वैरायटी है LHN 900 MCU7, वाइट फ्लाई के लिए सुप्रिया और कंचना। ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग द्वारा डेवलप की गई है। और GM क्रॉप्स जो जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स हैं वो जैसे BT कॉटन हो गया तो वो किसके अगेंस्ट है, वॉल वॉर्म्स के लिए। और BT कॉर्न है मक्का वो यूरोपियन कॉर्न वॉर्म के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। तो आज हमने पढ़ा कि ब्रीडिंग फॉर बायोटिक रेसिस्टेंट फॉर द इंसेक्ट रेसिस्टेंट, और पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया डिजीज इंसेक्ट, और एक क्लास में हमने पढ़ाया था एबायोटिक रेसिस्टेंट। तो हमारी जो टॉपिक था ब्रीडिंग फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस, तो हमारा टॉपिक ये दो टॉपिक थे जिसमें एक बायोटिक था और एक में एबायोटिक था। तो हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब पहले हमने आपको एबायोटिक पढ़ा दिया था जिसमें सभी पढ़ा था आपने जैसे कोल्ड के अगेंस्ट, ड्रॉट के, फ्रीजिंग के। और बायोटिक में हमारे मेनली जो थे इंसेक्ट और डिजीज थे, इसमें कुछ हर्बी जो बीट्स होते हैं वो भी आते हैं। तो चलिए, थैंक यू।